बिगेस्ट रैपर आपके अनुसार हमारे कंट्री में कौन है? मैं ही हूँ। चलना चूतिये बड़ी। आपके फादर आए हैं। हाँ तो भाई कैसे हो सभी। अब देखो यार, जब हनी पाजी ने क्लास मुंडे ट्रैक की अनाउंसमेंट करी थी ना, तो कुछ बातें कही थी लाइक वो सबसे तगड़ा ट्रैक होने वाला था पूरी एल्बम का। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो विराट कोहली ऑफ हनी 3.0 होने वाला है और फोर्थ नंबर पर रखा था, बट ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं आ पाया क्योंकि हनी पाजी का वेट लॉस नहीं हो पाया था। वो 15 kg वेट लॉस करने वाले थे, बिल्कुल ब्राउन रंग के जैसे लीन होने वाले थे, लेकिन अभी उनकी जो बॉडी है ना भाई, लगभग वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। 19-20 का फर्क है भाई, एकदम लीन वो हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी प्रोबेबली चांसेस हैं कि भाई उसका शूट चालू हो चुका है, क्योंकि करंटली हनी पाजी नेदरलैंड में है और भाई कुछ स्टोरीज वगैरह भी निकल के आई हैं। आप ये सामने देख लो, हनी पाजी के किसी ट्रैक का शूट चालू है। आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्लासी मुंडा ट्रैक का शूट हो सकता है, या फिर हनी पाजी ने एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी करा है डीजे एलिफेंट के साथ में, तो वो भी हो सकता है। मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन भाई ट्रैक तो शूट हो रहा है। इसके अलावा भाई मुझे क्लासी मुंडा के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वो 6th ट्रैक हो सकता है, क्योंकि हनी पाजी ने ये कहा था कि उस ट्रैक को मिहिर गुलाटी शूट करेंगे एंड बड़े लेवल पे शूट होगा एंड कहीं अलग जगह पे शूट होगा जहाँ पे आज तक किसी ने नहीं करा। तो नेदरलैंड में भाई बहुत कम ही ट्रैक शूट हुए हैं मेरे ख्याल से, तो हनी पाजी वहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी ट्रैक को शूट कर रहे हैं। लेट्स सी यार कौन सा ट्रैक होने वाला है, बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट्स में बताओ। इसके अलावा भाई हनी पाजी के जो हेयर स्टाइल है भाई, उसका ट्रेंड तो आप सबको पता है कैसे भाई पूरे इंडिया में ट्रेंड चला है और अभी तक चलते आ रहा है। मतलब वो हनी पाजी की देन थी और हनी पाजी को हमेशा से ट्रेंड सेटर बोला गया है, क्योंकि वो हमेशा ट्रेंड्स को सेट करते हैं और लोग फिर फॉलो करते हैं। और ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है भाई, पाकिस्तान में भी हनी पाजी के हेयर स्टाइल का बहुत तगड़ा ट्रेंड चलता है। चेक करो ये वीडियो, पाकिस्तान की है। क्रिकेट की सेंस में, फिल्मों की सेंस में देखें, हम उनके स्टार्स को फॉलो करते हैं, लोग करते हैं। कोई मुकरना चाहे तो लाख मुकरे, लेकिन करते हैं। यहाँ पे हनी सिंह के बालों के स्टाइल को आप देख लें, हर बंदा जो दूसरा है, मेरे तो बाहर नहीं रहे, नहीं तो मैं भी शायद करता। लेकिन ये है कि हम लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा भाई अपन को जैस्मिन सैंडल्स के साथ में हनी पाजी का 3rd कोलैबोरेशन भी देखने को मिलने वाला है। अब इनकी जो जोड़ी है भाई, वो तो पता है कितनी धमाकेदार है। अपन को 2 ट्रैक ऑलरेडी सुनने को मिल चुके हैं, यार ना मिले और रात जिशण दी। और राज जिशण दी तो भाई फुल गैंगस्टर वाइब वाला ट्रैक था, बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल ट्रैक है, अभी तक लोग सुनते हैं। तो बेसिकली हनी पाजी ने एक स्टोरी शेयर करी थी, जैस्मिन सैंडल्स का एक न्यू ट्रैक शेयर करके लिखा था व्हाट आर राइटिंग। तो उन्होंने जो है रीशेयर करते हुए लिखा था व्हेन आर वी मीटिंग इन द स्टूडियो, तो हनी पाजी ने फिर से रीशेयर करके लिखा था इन फ्यू वीक्स स्वीट हार्ट, मतलब कि भाई कुछ ही हफ्तों में ये दोनों फिर से मिलेंगे और तीसरा कोलैबोरेशन होगा और ये कन्फर्म हो चुका है। मतलब भाई IV2 में ये कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। चोरों शोरों से तैयारी चल रही है भाई इंटरनेशनल ब्लेजर 2 एल्बम की, जो कि नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। चलो बाकी सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे चैनल को। बाय।